नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार पुलिस 22 फरवरी से पुलिस सप्ताह मनाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार के पुलिस सप्ताह में आम लोगों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं 22 फरवरी को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पुलिस का अश्वारोही दस्ता अपने सबसे बेहतर घोड़ी रजनी और रानी को मैदान में उतारेगी। बताया जा रहा है कि रजनी के साथ उसे कवर करने वाली रानी सहित 8 अन्य घोड़े भी शामिल होंगे। इन पर सवार पुलिसकर्मी कई तरह के अपना कर्तव्य दिखाते नजर आएंगे। वहीं 26 फरवरी को इको पार्क में बैंड शो का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भी पुलिस के पाइप और ब्रास बैंड धुन बजाएंगे। इसके अलावा 25 को रन फॉर हेल्थ सहित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इको पार्क में आयोजित बैंड शो में BMP 1 से पाइप बैंड और BMP 5 से ब्रास बैंड बजेगा। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और उनके परिवार के साथ आम लोग मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे का होगा। रन फॉर हेल्थ में होगा नगद पुरस्कार। वहीं 25 फरवरी को आयोजित रन फॉर हेल्थ के लिए पुलिस प्रशासन एक वेबसाइट लिंक जारी करने वाला है। लिंक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को क्रमशः 10,000, 7,000 और 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा घुड़सवारी प्रतियोगिता में कोमल, शमशेर, सूची, शिवराज, रागिनी, नीलम, रुस्तम और सितारा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कोमल घोड़ी 5 फीट तक ऊंची कूद लगा सकती है, जबकि 5 साल का रुस्तम जंप में गोल्ड मेडल पा चुका है। कोच योगेंद्र बताते हैं कि 1 दिन पूर्व रिहर्सल की जाएगी। कार्यक्रम में कई रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, स्टैंड सैल्यूट सहित अन्य कर्तव्य दिखाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि माउंटेड मिलिट्री पुलिस के पास 16 घोड़े हैं। इनमें रजनी और रानी नाम की घोड़ी के पास सबसे अधिक रफ्तार है। रजनी नाम की घोड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में भी शामिल हो चुकी है। देश भर के राज्यों के बीच कई अश्वारोही प्रतियोगिता में बिहार को गोल्ड मेडल का खिताब भी रजनी दिला चुकी है। 22 फरवरी को आयोजित होने वाले घुड़सवारी कार्यक्रम में भी वह शामिल होगी। वह 21 फरवरी को आरा से पटना पहुंचेगी। अभी रजनी की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे पार हो रही है। पूर्व में हुई एक प्रतियोगिता में उसने 100 मीटर की दूरी महज 6 सेकंड में पूरी कर ली थी। रजनी की उम्र 12 साल है और ऑल इंडिया रेस में वह नेशनल गोल्ड भी पा चुकी है। वहीं रानी कई बार रजनी को कवर कर चुकी है, वह कुछ मीटर की दूरी से ही पीछे रहती है। आइए एक नजर डालते हैं पुलिस सप्ताह के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों पर। 22 फरवरी को शाम 4 से 5 बजे घुड़सवारी होगी। 25 फरवरी को सुबह 7 बजे रन फॉर हेल्थ। 26 फरवरी को शाम 3:30 से 4:30 बजे बैंड शो। तो ये उन कार्यक्रमों का लिस्ट है, तो ये उन कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल है जो कार्यक्रम पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम में नगद इनाम भी दिए जाएंगे। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 22 फरवरी को पुलिस का अश्वारोही दस्ता अपना सबसे बेहतर घोड़ी रजनी और रानी को मैदान में उतारेगी। वहीं इस बार के पुलिस सप्ताह में आम लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।